यूपी के रामपुर में दलित युवक की मौत से माहौल गर्मा गया है। ग्रामीण इस घटना का विरोध कर रहे हैं तो परिवार अपने बेटे की बेवजह मौत के लिए इंसाफ मांग रहा है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के SDM अमन देवल को हटा दिया है। रामपुर जिले के मिलख क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई थी। झड़प के बीच गोली लगने से एक दलित युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। दूसरी ओर इस मामले में DM SP ने बड़ी कार्रवाई की। मिलक SDM को हटा दिया गया है और राजेश सिंह को SDM मिलक बनाया गया है। इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना के लिए योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। वारदात में मारे गए युवक के परिजन ने अम्बेडकर के चित्र के नीचे शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गांव पहुंच गए और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंचे मुरादाबाद के मंडल आयुक्त अंजनया कुमार सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि मिलक थाना क्षेत्र के सिलाई बड़ा गांव में एक भूखंड पर दलित समाज के लोगों ने खाद बनाने के लिए एक गड्ढा तैयार किया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने गड्ढा पाट कर उस पर अंबेडकर की होर्डिंग लगा दी थी और प्रतिमा लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिंह ने बताया कि गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत की। इस पर मंगलवार की शाम को स्थानीय तहसील कर्मी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जा हटाने लगे। इस दौरान दलित समुदाय और दूसरे पक्ष के बीच विवाद हो गया, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। तभी इस दौरान गोलियां चली और 17 साल के सोमेश नामक दलित लड़के की मौत हो गई। साथ ही दो अन्य लोग घायल भी हुए। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने अंबेडकर की होर्डिंग के नीचे उसका शव रखकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि सोमेश की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। वो आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बहरहाल उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।